नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने हिसार लोकसभा चुनाव लड़ने की बात से साफ इनकार किया। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। उन्होंने हिसार लोकसभा चुनाव लड़ने से और इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि ये सब मीडिया की बातें हैं, पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा की बात की गई थी उस पर भी कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, मैंने क्या इनकी भैंस खोल ली। इसी बात पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को अपनी हार साफ नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ने साफ सुथरी राजनीति की है, जबकि हुड्डा ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ये कहें कि जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है प्रदेश के, उसमें आपकी चर्चा हिसार से चुनाव लड़ने की आ रही है, लगातार क्या सरिया लगाई जा रही है, कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पार्टी में तो कहीं कोई चर्चा है नहीं, केवल मीडिया की चर्चा है। इस खबर में कहीं कोई सच्चाई नहीं। अब बताएं कि कल दीपेंद्र जी का बयान आया था, दीपेंद्र हुड्डा का, कि मैंने बीजेपी की क्या भैंस खोल ली है कि सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं इस मामले में। दीपेंद्र हुड्डा को अब अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए कहता है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हम केवल हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करके, हरियाणा प्रदेश से परिवारवाद खत्म करके, हरियाणावाद से जो क्षेत्रवाद था, जातिवाद था, वो खत्म करके एक साफ सुथरी व्यवस्था को स्थापित करने में लगे हुए हैं। हमने बेरोजगार नौजवानों को, जो नौकरियां इन लोगों के राज में, इनकी जेब में रहती थी, ये बांटा करते थे, इनके लोग पैसे ले लेकर नौकरियां देते थे, वो सारी व्यवस्थाओं में जो सुधार किया है, और जनता का जो आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वास्तव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छे काम किए हैं, और देश की जनता का ये मानना है कि अगर गरीब का कल्याण कोई कर सकता है, देश को विकास की बुलंदियों पर कोई लेकर के जा सकता है, और देश को कोई पूरी तरह से आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मुहैया करवा सकता है, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवा सकते हैं। तो ये एक पूरा वातावरण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, और इस जीत के वातावरण से दीपेंद्र हुड्डा घबराए हुए हैं और घबराहट में इस प्रकार की बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या उसकी भैंस, दीपेंद्र ने क्या उनकी भैंस खोली। ये कोई इस प्रकार की, कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं देता। जो अंदर से डरा हुआ होता है, घबराया हुआ, तो हार के कारण से वो इस प्रकार की भाषा बोलता है। कोई उसका ग्राफ बढ़ेगा या क्या? देखिए, पहले भी ये लोग जेल से बाहर आए हैं और पहले भी इन लोगों ने चुनाव में प्रचार किया है, चाहे 2014 का चुनाव था या बाद में अभी पिछले कुछ दिनों पहले जी इनके उपचुनाव से पहले भी लोग प्रचार करके गए थे। आज किसी के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। हमने जो व्यवस्था का परिवर्तन किया, लोगों ने उस व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार किया, इसलिए आज के दिन कोई भी व्यक्ति आए, किसी से भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीत करके देने वाली है।